तो अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टैग के बारे में जो आपके वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाता है। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आप जिस भी डिवाइस पे देखें, चाहे वो एक बड़ा सा डेस्कटॉप हो, एक 15 इंच का लैपटॉप हो, या फिर एक टैब हो, या एक फिर मोबाइल हो, आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े स्क्रीन से लेके एक मोबाइल तक में आपको वेबसाइट को अडेप्ट कराना होता है कि मतलब अच्छा दिख सके। क्योंकि आपको पता ही है, जो चीज आपने बड़े स्क्रीन के लिए बनाया, अगर उसी चीज को एग्जैक्ट मैंने अगर छोटे स्क्रीन पे दिखाया तो कितना डिफिकल्ट होगा लोगों के लिए पढ़ पाना उतने छोटे छोटे टेक्स्ट और ये सब। तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब यह है कि वो सारे के सारे साइज के डिस्प्ले पे खुद ब खुद एडजस्ट करे और यूजर को कंफर्टेबल हो, चाहे वो टेक्स्ट पढ़ने में हो या फिर इमेज को देखने में हो। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक टैग होता है। वो टैग क्या है? मेटा टैग है। उसमें हम लोग नेम में क्या देते हैं? व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट। अब मेटा टैग में जो कंटेंट होता है एट्रीब्यूट, उसमें हम लोग देंगे जो ओरिजिनल कंटेंट है इसका। तो कंटेंट में हम लोग क्या पहले सेट करते हैं कि विड्थ, उसका विड्थ क्या है? तो विड्थ हम लोग देते हैं कि जो डिवाइस का विड्थ है वही उसका विड्थ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिवाइस विड्थ। ठीक है, कॉमा देते हैं। फिर हम लोग उसको लिखते हैं कि इनिशियल स्केल। इनिशियल स्केल का मतलब होता है कि जूम लेवल, मतलब वो कितना जूम दिखाया जा रहा है। तो हम लोग बेसिकली उसमें ये लिखते हैं कि ये 1 है, मतलब जूम लेवल 1 है। तो ये है हमारा वो मेटा व्यूपोर्ट, जिसकी वजह से वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होता है। कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं अभी आपको डेमो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि रिस्पॉन्सिव करने के लिए वेबसाइट को सीएसएस का जरूरत होता है और मैंने अब तक आपको सीएसएस नहीं बताया है। तो जब मैं सीएसएस बताऊंगा तो भी मैं आपके इसके बारे में चर्चा करूंगा और इसके डिटेल में आपको डेमो बनाकर दिखाऊंगा। अब फिलहाल के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक पिक्चर में समझाने की कोशिश करता हूँ और अभी आपको ये बता देता हूँ मेटा टैग में है क्या। तो यहाँ मेटा टैग में हमने नाम लिखा व्यूपोर्ट। कंटेंट में हमने बताया कि जो विड्थ है वेबसाइट का वो डिवाइस का विड्थ के बराबर कर दो और जो जूम लेवल है उसको 1 कर दो, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग जूम कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में पिंच करके। 2 उंगलियों को जब फैलाएंगे तो वो जूम हो जाता है। तो हमने उनको बताया कि नहीं, जूम लेवल 1 ही रखना, नॉर्मल रखो और विड्थ को कर दो, डिवाइस का विड्थ जितना है उतना ही हमारा वेबसाइट का विड्थ है। अब हम लोग ये देखते हैं कि बिना व्यूपोर्ट और व्यूपोर्ट के वेबसाइट कैसा दिखता है मोबाइल डिवाइस पे। तो मेरे पास एक इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बिना व्यूपोर्ट वाले जो मेटा टैग है उसके है और ये विद मेटा टैग के साथ है। तो आप देखो ये क्या हो रहा है, ये डेस्कटॉप पे जैसा था वैसा ही दिखा रहा है, बट उसके चक्कर में क्या हुआ कि इमेज भी छोटा हो गया और टेक्स्ट तो इतना छोटा हो गया कि आप पढ़ नहीं सकते हो। बट यहाँ पे जब आप व्यूपोर्ट मेटा टैग लगाते हो तो देखो ये किस तरीके से एडजस्ट किया कि आप टेक्स्ट भी पढ़ने लायक है और इमेज भी है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है व्यूपोर्ट मेटा टैग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।